हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे FSSAI, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये आपकी नोडल मंत्रालय है इसका, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय के तहत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसकी स्थापना की बात करें तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह एक आपकी सांविधिक निकाय है। कैसी सांविधिक निकाय, याद रखिए जब कोई अधिनियम द्वारा कोई भी संस्था हो या कुछ जोड़ा जाता है तो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं। जब किसी अनुच्छेद में संशोधन करके जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संवैधानिक। ठीक है, तो याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 जोड़ा गया। इसकी संरचना की हम लोग बात करें तो इसमें एक प्रधान कार्यालय इसका है जो दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 22 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें आपकी एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। कितनी, एक तिहाई। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कार्यों की बात करें हम लोग तो खाद्य सुरक्षा के मानकों और दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए नियमों का निर्धारण, लाइसेंस संबंधी नियमन, खाद्य संबंधी नीति निर्धारण में सरकार की मदद, खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की प्रमुख पहलों के बारे में। कुछ पहलें इसके द्वारा की गई हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। जैविक भारत, इस पोर्टल का विकास संयुक्त रूप से FSSAI, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण और सहभागी गारंटी प्रणाली द्वारा किया गया। इंटरनेट आधारित डाटाबेस, जहां जैविक खाद्य मानकों, प्रमाणन प्रक्रियाओं, खाद्य व्यवसाय संचालकों से संबंधित जानकारी, विभिन्न उत्पाद और उनसे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारियों को साझा किया जाएगा। शीघ्र ही जैविक खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए यूनिफाइड लोगों को भारत के राजपत्र में विकसित किया जाएगा। इसकी टैगलाइन क्या है, जैविक भारत होगी। इसकी टैगलाइन जैविक भारत होगी। फिर आपका ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और खराब जीवन शैली से जुड़े रोगों से लड़ने व नकारात्मक पोषण प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए FSSAI द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में स्वस्थ भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया। अगली पहल की बात करते हैं हम लोग, ये है आपकी क्या है, रिसोर्स सेंटर फॉर हेल्थ सप्लीमेंट्स न्यूट्राश्यूटिकल्स रिचेन। यह खाद्य सुरक्षा के लिए पौष्टिक औषधीय पदार्थों और हेल्थ सप्लीमेंट्स की वैश्विक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। FSSAI इंटरनेशनल अलायंस ऑफ डाइटरी
या फिर फूड सप्लीमेंट एसोसिएशन और भारतीय उद्योग परिसंघ की संयुक्त पहल है। फिर इसकी पहल में आगे क्या शामिल है, डाइट फॉर लाइफ। आम जनमानस के लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से FSSAI द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, डाइट फॉर लाइफ की। अन्य पहलों की बात करें तो इसमें वन नेशन वन फूड लॉ, ईट राइट मेला, इंडिया फूड कल्चर, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इंडिया फूड शेयरिंग अलायंस, ये इनकी अन्य पहलें हैं। अब बात करते हैं प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। किसके, प्रथम खाद्य विश्व खाद्य सुरक्षा के बारे में। तो ये आपका 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया है। इसकी थीम क्या थी, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। यह 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस से अलग है। तो आपका 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। तो ये था आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। आगे हम लोग बात करेंगे IITM के बारे में, ठीक है।